तो इस वक्त हमारे साथ सना मुहिम है। सना मुहिम सोशल मीडिया में काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहती हैं, आप देखती होंगी, और कांग्रेस से ये लंबे समय से जुड़ी हुई हैं। सना जी, ये बताइए कि आज प्रियंका जी आ रही हैं तो कितना उत्साहित है आप? देखिए, प्रियंका जी आ रही हैं, सबसे बड़ी बात तो उन्होंने ऐसा नारा दिया है बच्चियों के लिए कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, तो मुझ में भी जोश आया है कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। और उन्होंने इसी तरीके से पूरे उत्तर प्रदेश में जोश भर दिया है ये नारा दे करके, और उसके बावजूद उन्होंने 40% जो आरक्षण का उन्होंने घोषणा करी है, वो जो है बहुत ही खुशी की बात है हम महिलाओं में, कि हम लोग भी टिकट अपने हक से मांग सकते हैं कि 40% हमारा है हमें दो। ये बहुत ही खुशी की बात है कि वो महिलाओं के बारे में इतना सोचती हैं। अच्छा, आप भी एक महिला है, प्रियंका जी भी एक महिला है, और जो ऐलान किया गया है, ठीक है, तो क्या लग रहा है कि 22 में इसका असर कितना पड़ेगा कि महिलाओं को हम इतने प्रतिशत आरक्षण देंगे, टिकट देंगे, तो महिलाओं को टिकट देकर कांग्रेस पार्टी क्या दिखाना चाहती है और इसका असर 22 में कितना पड़ेगा? देखिए, उत्तर प्रदेश में अब 2022 में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, और ये हर तरीके से मुमकिन और तय बात है और हक की बात है, क्योंकि अभी तक इतना कुछ महिला उत्पीड़न हुआ, शोषण हुआ, भाजपा सरकार के MLA MPs ने उत्पीड़न किया महिलाओं का, उनके आज भी देखिए राज्य मंत्री का इस्तीफा नहीं हुआ, उसके बेटे ने किसानों को कुचल दिया था। तो अब आप देखिए कांग्रेस ही सड़क पर उतर रहे हैं और कांग्रेस ही हर चीज़ का जवाब दे रहे हैं। धरने पर कौन बैठा? हमारी प्रियंका जी बैठी, और पुलिस हिरासत में कौन रहा? प्रियंका जी रही। अखिलेश जी अपने घर के बाहर 2 मिनट का उन्होंने वो किया, वहीं गिरफ्तार होकर के वहीं हो गए, वो तो पूरी तरीके से जो उसको मैं ड्रामा समझती हूँ। कोई भी उत्तर आप समझती हैं, और इधर विपक्षी तो और भी जो तमाम पार्टियां हैं वो कह रही हैं कांग्रेस पार्टी और प्रियंका गांधी बोल रहा है ये सिर्फ तस्वीर खिंचाने के लिए आती है। और भी जो पार्टियां हैं, अच्छा आप तस्वीर आप खिंचाने के लिए सड़क पे उतरो ना, आप धूप खाओ तो, आप डामर जो है पिघलते हुए आप बैठो तो सड़क पर। आम कार्यकर्ताओं के लिए जो लोग उत्पीड़न जिस तरीके से किसानों के साथ भाजपा सरकार ये कर रही है, आप भी बैठो। अगर ये राजनीति है तो मैं कहती हूँ कि ये बहुत अच्छी राजनीति है, आप भी करिए।